करीब 400 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज का ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास तो ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी में भी दिवाली से पहले दिवाली जैसी रौनक दिखाई दी। अयोध्या में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर के शिलान्यास के पावन अवसर पर रेवाड़ी में भी बाजारों में भगवा झंडों से सजाया गया, तो वहीं हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस खुशी के अवसर पर बाजारों में डीजे की धुन पर श्री राम के जयकारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बाजारों में मिठाई की दुकानों पर लड्डू बनाने का काम भी जोरों पर रहा। लोगों ने आज घरों और प्रतिष्ठानों पर घी के दिए जलाकर दिवाली से पहले दिवाली मनाई। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा मंदिरों को खोलने की अभी इजाज़त नहीं दी गई, जिसके चलते लोग अपने घरों में ही पूजा पाठ कर रहे हैं। इस अवसर पर लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि वह देश और दुनिया में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का अंत कर धरती के जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। आज अयोध्या के अंदर भूमि पूजन किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे। रेवाड़ी में क्या स्थिति है, किस प्रकार तैयारी की गई है रेवाड़ी के अंदर? देखिए, आज पत्रकार महोदय, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, आज अयोध्या में जो भूमि पूजन किया जा रहा है, इसका इंतजार कोई आज से नहीं, 2 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के मंदिर बनाने के लिए जो आज भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, यह इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए इससे बढ़ चढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता। रेवाड़ी में क्या माहौल है, किस प्रकार की? रेवाड़ी के अंदर भी जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे वनवास काटकर, उससे कहीं ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ आज शाम को रेवाड़ी शहर के अंदर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि रेवाड़ी शहर इसके अंदर उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी निभाएगा। लंबे समय के बाद एक इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आज अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? रेवाड़ी में क्या स्थिति, किस प्रकार से इसको त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है? जय श्री राम। परम आदरणीय महानुभाव, बड़े सौभाग्य की बात है, आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा उत्सव मन रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सती कॉलोनी के प्रांगण के अंदर भी एक यज्ञ हवन का प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं विश्व हिंदू प्रसिद्ध का धर्माचार्य प्रमुख होने के नाते पूरे मोहल्ले के अंदर रात को दीपोत्सव कराऊंगा, सबके घरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। एवं यहाँ पर अब हमारे पार्षद भाई भूपेंद्र गुप्ता जी सपत्नी विराजमान हैं, हमारे मुख्य यजमान हैं, आज वो यज्ञ में यहाँ सम्मिलित होकर के और विश्व हिंदू परिषद की ओर से यज्ञ करा रहे हैं। मैं इस बात का अनुमोदन करता हूँ कि पूरा शहर आज दीपावली में हो जाएगा, आज यहाँ इतना बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जुलूस निकाले जाएंगे, दीपोत्सव किए जाएंगे, कीर्तन भजन किए जाएंगे और यहाँ पर जो है एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो कि पूरे जिले के अंदर देखने योग्य होगा। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया है और प्रयास करके ऐसा कार्य किया है कि हम सब लोग सद्भावना के साथ में इस मंदिर के शुभ अवसर पर, शिलान्यास पर आज जो है कार्यक्रम करके सब लोगों का जो है सहयोग प्राप्त करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भगवान से निवेदन करेंगे कि भगवान इस कोरोना को भगाएं, व्यापार और हमारे व्यापार को बढ़ाएं और हमारे जो सुख समृद्धि के लिए कार्य करें। ये कार्य हम लोग जो है इसलिए कर रहे हैं कि 500 वर्षों से हमारे यहाँ पर
जो है राम जन्म भूमि पर विवाद चल रहा था वो विवाद समाप्त हो गया है। आज मोदी जी उसका नींव रखेंगे। धन्यवाद।